दोस्तों आज मैं मिलवाता हूँ एक अम्मा जी से आपको, जिन्होंने 50 से 60 साल पहले ये कुआं चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत खोदा था। और यहाँ पे दूर दूर तक पानी का कोई वसीला नहीं था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने लिए इन्होंने ये कुआं खोदा। और इससे इन्होंने इनको बताया जाता है कि कोई ख्वाब आया था इनकी अम्मा जी को, तो उन्होंने फिर उस ख्वाब को की तबीर पूरी करने के लिए इस कुएं को खोदा यहाँ पे, और यहाँ से अल्लाह की तरफ से मीठा पानी निकला। तो ये लोग फिर इस मीठे पानी के ज़रिए अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं अम्मा जी की जो बेटी हैं, अम्मा जी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी बेटी से आपकी बात करवाता हूँ। वो बताएंगी अपनी लैंग्वेज में, अपनी सराइकी ज़बान में, कि ये कुआं कब खोदा था, कैसे, क्या हिस्ट्री है इसकी, वो सारी डिटेल बताएंगे। अम्मा जी ये दसाओ कि भी एक कितने साल पहले था ये कुआं तकरीबन? खून हो गया मेरा पुत्र पुछी तो 50 साल होया खा। 50 साल? हाँ, तो मेरी अम्मी जी ने त्रे दी मर्दी हुई ने अल्लाह पाक दी हिम्मत नाल खू कड्डा। एक थोड़ी अम्मी जी ने आप खुद मेरी अम्मी जी ने खट्टा। अच्छा। जो मर्द है साडे इलाके च पहुंच ला। अच्छा, ये कितना गहरा है खू? बड़ा 250 फुट। अच्छा, 250 फुट गया खड़ा है। इथे आस पास और भी कोई आबादियां हैं, घर हैं? हैं, आपने आपने के माला मुला वाले माड़े मोटे बेचारे सारे गरीब जी बैठे। कोई और भी आंदा इथे पानी भरन वाले? आपने टैंक आपने जेड़े फौज ओ भरदी रही इथे भरदी रही। अच्छा, हां ओ फौज भरदी रही पानी, उसे आदे उना आदे बोका नाल भरदे रहे। बड़ी अच्छा, ये दसो भी ये के कहानी है के भी तोड़ी अम्मी जी नु कोई ख्वाब आया सी? ख्वाब नहीं आया पुत्र, ख्वाब नहीं आया। अच्छा, इतने ओडा का टोबा। अच्छा, उना दिया लाटा। अच्छा, उत्ते बैठे आनी चन्नाड़। ठीक, ओड के नहीं आनी। अच्छा, मेरा बिरा हूं इत खड़ा जेड़ा लाया ते आया बकरियां, ए तिया एक बकरियां आईया उन्ना आगू कुत्ते मगर ला दिते। अच्छा, बकरियां दी बड़ी लो ते बड़ी इवे गर्मी है ते दरखत दुरखत कोई नहीं है। अच्छा, ए बात ते उथे आन ते मेरा बिरा डह पिया, बकरियां साड़ियां डह पईया, उस मेरी मां रोते गई उठे ते उन्ना मोड़ मगर ला दिते। ओ ता आंते तेन मुकदी मुकावा, ओ ता आंते इथे रोमन बह गई अम्मा जी रोमन बह गई। अल्लाह पाक का सानू पानी नहीं देना, अल्लाह पाक का सानू पानी नहीं देना, दुई रोजी तक के दे मने। सही गल, सानू पानी तो दे। ओ रोंदी रोंदी रोंदी, मेरा प्यो आ दमे दा मरीज, ओ टीका ला दा बैठा, उनू आंदी सानू इजाजत दे मामा देनू, असा आधा खूह निकाल दे। उस आखा खूह निकाल देना, 7 शहर नहीं निकाल सकते, तू कि निकाल सकनी? सही है। मेरे मगर शोरत ला दी पई, ओ तो रोंदी 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 अखीर मेरे प्यो दे कदमे पै गए। अच्छा, मैनू इजाजत दे। ओ मेरा प्यो आया अड्डा उच्चा टूंग आई इथे वड्डी, ओ गरकदा गरकदा उत्ते चढ़ गया, डिंगा जा लीका मारते दे दी। उस आखा मेरी अम्मी आखा पक्की कोठी उत्थे गईया, ओ पानी भरन ते मेरी निक्की जी बहन आई जेड़ी हुण धीआं पुत्तरां वाली अगू दोतरां पोतरां वाली, उस नूं ला गई। अच्छा, मेरा पोतर तू मिट्टी हटा, असा उत्थे पानी लाई किथे पक्की कोठी रह। ओ अगा सही उत्थों मेरा पुत्र आईया पानी भरते, मेरी बहन जेड़ा रब दा हुकम होया खड़ा, ओ ता जेड़ा टिब्बा आप तू आप गिया। अच्छा, ओ ता बंदे दो जितना हेठा लै गई पक्का। अच्छा, खटदी खटदी खटदी, ओ पानी भरते आईया मेरे प्यो खा मेरी धी खबर की देगी, ओ विखो सुत ओ ता थले लै। हजरत बीबी फातमा, तू आधे बच्चा नु पिवाया ही, माई हाजरा तू आधे बच्चा नु पिवाया ही, तू मैनू मेरे बच्चा नु पिवा। भाई इतनी करते ते उन्ना टप्पा ला दिता, पंजवे दे पोतर के मुकदी उस ता आई करते थिगड़ी च गाते पानी चाखड़ी। पंजवे दे कच्चा, माशाल्लाह कच्चा लै गईया पंजवे दे, अल्लाह दा हुकुम होया खला, मैं उत्ते खलो ते खाज खिजर दे आंदी खलियां, सावे दरखतां दे हेठ तुहाडे अगू कोई झूठ नहीं, साडे बंदा नू पता लगा साडे जुधाणा नू डांगा लाए ते आ गए। उन्हां खाए ता सानू मरेंदी, डल लै गई हेठां दे ता मरेंदी, उत्तू मुड़ अजीम बूहड़ हुंदा विचारा फौत हो गया। उस आखा माई काज ते रख दे, अज होर कल होर, अज होर कल होर, कर दे कर दे, तेरा खूह बन जा सी बंदा रोक, बंदा नू मैं रोकना लमरदार। उत्ते दिने आ हुण दित्ते पैना ही, दे दित्ते डल दे डिंगर, तैदू लै मैदू लै मंग पेन बठा आलियां इमदादा कीतियां, इस उत्ते इट्टां दियां सीमटां दियां तू मैं कीतियां, बिरावां इन्ना कीतियां, आ साडा पक्का हो गया। पक्का हो गया,
पक्का हो गया, पानी पीते हैं अपनी फौज पानी पीते हैं, लाते गई है टैंक बार बार ते गए। 50 साल हो गए, हाँ 50 साल हो गया, 50 तू बल्कि उत्ते होया खड़ा उसे एक ऐसा अपनी इस गल न शाबाश ने अल्लाह तुम्हारी नौकरियां कामयाब रख सी। हां ते आ देख जाओ साडा आ मकान देखो साडे गंदी है जो गाइस ये देखें तकरीबन तू मैं तू बेचारे कोई मल्ला ले गुटी दो दी 50 साल के करीब ये पुराना कुआं और ये तकरीबन 250 फुट के करीब सहराए चोलिस्तान के अंदर ये मुसलमान है और इसे एक अम्मा जी ने और उसकी एक बेटी ने इसे खोदा था। तो उनको ये ख्वाब आया था या उनकी एक मजबूरी थी, उनके पास पानी नहीं था कई कई किलोमीटर तक, तो इस एक कुएं से आर्मी और यहाँ के दूर दूर तराज के लोग जो है ना वो पानी भर के लेके जाते हैं। जी आपने यहाँ फौज बैठी आपने कोल इतना पानी पीता है इतना कोल पूछा जावे। देख सकते हैं आप चारों तरफ डेजर्ट है और पूरे इस डेजर्ट के अंदर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और इस डेजर्ट के अंदर सिर्फ इस अम्मा जी का एक घर है और उसके अलावा और कोई आबादी नहीं है। देख सकते हैं वो देखें अम्मा जी का सामने घर, में आपको अम्मा जी का घर भी दिखाता हूँ। ये अम्मा जी का घर है, देखें मिट्टी से बना हुआ है मड हाउस और इसमें कुछ एक दो चीज़ें यूनिक हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बकरी यूनिक ही है, ये देखें एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है मिट्टी से बनी है। इस तरह का जो है ना बर्तन रखने का या तूर वगैरह रखने का जो सिस्टम है ना मैंने पहले कभी नहीं देखा पूरे चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर, ये सबसे यूनिक चीज़ है। इसके आगे इन्होंने दरवाज़ा लगाया हुआ है, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह हैं। तो गाइस ये है अम्मा जी का घर,